आपका चाहने वाला आपको प्यार करे, नफसियाती चालें। अपने चाहने वालों का दिल जीतना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हमने फैसला किया कि आप अपनी पसंद को जीतने के लिए साइंस की हमायत याफ्ता नफसियाती चालों से आपकी मदद करें, और हमें यकीन है कि ये आपकी मदद करेगी। अगर आप अपने चाहने वाले के साथ नाकाम हैं तो यहाँ 7 नफसियाती टेक्निकें हैं। इन चालों को आजमाएं, ये काम करती हैं। अपने चाहने वाले की तवज्जो हासिल करना आसान नहीं, इस अमल में बेचैनी और उलझन है। अपने चाहने वाले के सामने अपने जज्बात का इतराफ करना हिम्मत की बात है, इसके लिए एतमाद और गौर फिक्र दरकार है। अगर आप किसी की तवज्जो मबजूल कराना चाहती हैं तो यहाँ कुछ नफसियाती चालें हैं जो आपके चाहने वाले की तवज्जो मबजूल करा सकती हैं। दूसरी चाल, एतमाद। एतमाद बहुत पुरकशिश होता है, इसी एतमाद से आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी को बोतल में बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा जारहाना या मगरूर होने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको किसी से दूर कर सकता है। लिहाजा मुस्बत रहें और अपना रवैया बेहतरीन रखें। तीसरी चाल, दिलचस्पी दिखाएं। अपने चाहने वाले की ज़िंदगी और दिलचस्पियों के बारे में सवालात पूछें और उनके जवाबात को अच्छे से सुनें और याद रखें, ताकि उसे इस बात का पता लगे कि आप उसके बारे में जानने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। इससे जाहिर होगा कि आप उसके ख्यालात और एहसासात की कितनी कदर करती हैं। चौथी चाल, उस जैसी बने। लाशौरी तौर पर अपने चाहने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना आपको उसके करीब ले जाता है और उसे आपका हम ख्याल बना सकता है। जब आप उसकी नकल करते हैं तो ये जाहिर होता है कि आप उसका एहतराम करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। पांचवी चाल, तारीफ करें। तारीफ किसी की तवज्जो हासिल करने का एक ताकतवर जरिया है, लिहाजा तारीफों का इंतखाब दानिशमंदी से करें। उसे प्यार और मोहब्बत के अल्फाज में डालें ताकि आप उस शख्स की शख्सियत या दिलचस्पियों के मुताबिक तारीफ कर सकें। छठी चाल, लतीफ़े। मज़ा किसी के साथ जुड़ने और उसे राहत महसूस कराने का बेहतरीन तरीका है। लोग उन लोगों के आसपास रहना चाहते हैं जो मज़ा का खेज लतीफ़े बनाकर माहौल को हल्का और आरामदेह रखते हैं। अगर आप अपने चाहने वाले को हंसाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर आप अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे और उसे हासिल कर लेंगे। सातवीं चाल, मुस्बत रहें। किसी ऐसे शख्स के आसपास रहना जो पुरउम्मीद और खुश हो बहुत दिलकश होता है। अगर आप मुस्बत हैं, मतलब आपको इस बात का इल्म है कि क्या सही है और क्या गलत, और आप सही के साथ हैं, तो लोग खुद ब खुद आपके आसपास रहना चाहेंगे, बशमूल आपके चाहने वाले के। लिहाजा हर किस्म की शिकायत, मनफी बातों या गलत गपशप से बचें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने से, तो हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।